तो यहाँ पे मैं अपना बैग में सब कुछ पैक तो कर रही हूँ, और मैंने सोचा वाटर कलर भी ले जाती हूँ, क्या पता मुझे ऐसा कुछ मिल जाए जो मैं वाटर कलर कर सकूँ वहाँ पे। वैसे तो मैंने स्केचिंग का प्लान किया हुआ है, अब देखो क्या होता है वहाँ पे। तो मैं सारा सामान अपना रख रही हूँ। तो फाइनली मैं अपनी प्लेस पे पहुँच गई थी, और भी जगह देखी थी मैंने, बट मुझे ऐसा कुछ अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा चलो यहीं पे ही करते हैं। फिर मैंने अपना स्केचिंग स्टार्ट कर दिया था। पहले मैंने रफली स्केचिंग करी, और उसके बाद मैंने वाटर कलर शीट पे करी। पहला मेरा मन कर रहा था कि चलो यार स्केचिंग ही कर लेते हैं, क्या करना, बट मैंने सोचा नहीं यार, वाटर कलर कैरी करा है तो चलो कर ही लेते हैं वाटर कलर, और मज़ा आता है वाटर कलर करने में आउटडोर। फिर मैंने सबसे पहले अपना स्कूटी पे सब कुछ सेट किया, क्योंकि और कोई जगह नहीं थी, पीछे थी बैठने की, बट मैंने सोचा नहीं यार अभी यहीं पे ही कर लेते हैं। फिर मैंने धीरे धीरे करके कलर्स बनाए, क्योंकि मुझे वेट ऑन वेट डालना था, तो मैं सारे कलर्स पहले ही रेडी कर लेती हूँ। अगर आप वेट ऑन वेट कर रहे हो ना, तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप सारे कलर्स पहले ही डाल लो, ठीक है, डाल नहीं लो, बना लो सॉरी, ठीक है। फिर आप एकदम ही धीरे धीरे करके डालते रहना, तो ऐसे आपकी शीट ना ड्राई भी नहीं होगी। और इसके लिए आपको काफ़ी अच्छी शीट की ज़रूरत है, जो कि वाटर कलर शीट होती है। फिर मैंने धीरे धीरे लेयरिंग स्टार्ट कर दी थी, और मैंने वेट ऑन वेट में ही पूरा ट्रिक किया है। बहुत ही कम जगह है जहाँ पे आपको स्ट्रोक्स दिखेंगे, और जहाँ पे आपको दिखेंगे ना वो कितना ब्यूटीफुल एरिया लग रहा है, आप देख ही सकते हो, ठीक है। हर जगह मर्ज भी अच्छा नहीं लगता है। फिर ये जो आंटी थी ना, ये बहुत ज़्यादा क्यूट थी, ये मुझे ना सजेस्ट कर रही थी कि आप ऐसा कुछ बना सकते हो। वो थोड़ा बच्चों वाला था, तो मैंने उनको समझाया कि मैं थोड़ा आर्टिस्ट लेवल पे, बड़े लेवल पे करती हूँ, तो वो बच्चों वाला है, तो फिर वो बहुत ऐसे चली गई थी, काफ़ी क्यूट थी वो। तो फिर मैंने यहाँ पे वापस से अपना काम स्टार्ट कर दिया था। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी, अगर आप इतनी गर्मी में आउटडोर करने जाते हो, तो आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो धूप से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। इतनी गर्मी में अगर आप आउटडोर कर रहे हो ना, सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो वही है, क्योंकि इतनी गर्मी में नहीं हो पाता है आउटडोर। और अगर आप जा रहे हो तो आप छाया वाली एरिया में बैठो, या फिर आप अपनी बॉटल कैरी करो, सनस्क्रीन ज़रूर लगाना, क्योंकि नहीं तो टैन हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसके बाद जहाँ पे मैं खड़ी थी ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप आ गई थी, एकदम मेरे सिर पे धूप थी, तो मैंने सोचा नहीं यार पीछे बैठ जाती हूँ, और यहाँ पे स्पेस काफ़ी अच्छा था तो मैं बैठ गई थी, नहीं तो मैं अपनी स्कूटी की लोकेशन चेंज कर देती। लेकिन मैं धूप में नहीं खड़ी होती, तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रखना। तो मेरी फाइनली पेंटिंग कम्प्लीट हो गई थी, मैंने बहुत थोड़े से चेंजेस ना घर पे भी आकर के करे थे, क्योंकि मुझे वहाँ पे ना समझ में भी नहीं आ रहा था, फिर मैं थक भी गई थी, और तो मैंने सोचा नहीं यार चलो घर पे ही आकर के करते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर इसमें ट्री लग रहा है। फिर मैंने थोड़ा स्प्लैटरिंग करी, और मैंने फाइनली टेप रिमूव करा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये था इसका फाइनल लुक, आप लास्ट में भी इसका फाइनल लुक देख सकते हो जो मैं एंड करा है मैंने। और ये अंकल को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी हंस रहे थे वो। फिर मैं अपने घर निकल आई थी, ठीक है। और यहाँ पे ये थोड़े बहुत चेंजेस आपको दिख ही रहे होंगे, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।